देखिए, कुछ प्लेयरों के लिए हमेशा एक जुमला कहा जाता है कि ऐसे प्लेयर सालों में एक बार ही आते हैं, और जिनके लिए ऐसा कहा जाता है तो आप समझ जाएं कि ये किसी बड़े प्लेयर की बात हो रही है। लेकिन असल में ये लाइन कि ऐसे प्लेयर सालों में एक ही बार आते हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े प्लेयरों के लिए ही कहा जाता है, ये उनके लिए भी कहा जाता है जिनमें कुछ अलग होता है। भले उन्होंने बहुत मैचेस ना खेले हों, भले उन्होंने बहुत विकेट्स ना लिए हों, भले उन्होंने बहुत छक्के ना मारे हों, भले उनके नाम एक भी रिकॉर्ड ना हो, पर फिर भी एक अनोखी स्किल होना भी उन्हें इस जुमले के काबिल बना देता है कि यार ऐसे प्लेयर्स क्रिकेट में बहुत कम ही आते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पहली बार जब भारतीय क्रिकेट ने एक अच्छा पेस ऑलराउंडर देखा था वो थे कपिल देव। उसके बाद वही थोड़ी बहुत झलक लोगों को इरफान पठान में देखने को मिली, और उसके बाद से पेस ऑलराउंडर का सूखा ही रहा। लेकिन तभी इंडियन क्रिकेट में आया एक लड़का जिसका नाम था हार्दिक पांड्या, जिसके पास स्पीड भी थी, कंट्रोल भी था, और बैटिंग में आखिरी में आके लंबे छक्के मारने की काबिलियत भी। पर उनके उस करियर में जो एकदम ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रहा था और जहां वो तीनों ही फॉर्मेट में भारत का एक प्रमुख चेहरा बन ही रहे थे, वहीं इंजरी ने उनके उस महान करियर बनने की दौड़ को धीमा कर दिया। पांड्या को कई बार रेस्ट दिया गया और जब भी वो टीम में आए तो लगा कि अब भी वो पूरे तरीके से फिट नहीं है। पर आज की वीडियो हार्दिक पांड्या की बायोग्राफी, उनकी गाथा या उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे ऐसी पांच वजहों की तरफ जो साफ साफ इशारा करती हैं कि पांड्या भविष्य में भारत की कप्तानी कर सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना बिल्कुल नहीं है कि कोई और कप्तान क्यों नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है कि इस समय भारत की भविष्य की कप्तानी के लिए कई सूर्य उदय हो रहे हैं, पर मैं यहां पे बस एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं जो मुझे लगता है आप सभी को सुननी चाहिए और थोड़ी सी समझनी भी चाहिए। इसमें सबसे पहला रीजन आता है पांड्या की गुजरात के लिए करी गई कप्तानी। अभी तक आईपीएल 2022 में जितने मैच खेले गए उन्हें देखते हुए सबका यही कहना है कि सबसे बेहतरीन कप्तानी हमें पांड्या की तरफ से ही देखने को मिली, चाहे उनके बॉलिंग चेंज हो, चाहे टीम चेंजेस हो, चाहे उनका कॉन्फिडेंस हो, चाहे उनका टीम मैनेजमेंट हो, अभी तक उन्होंने सारे ही बॉक्स पूरे तरीके से टिक करे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो पांड्या को एक अच्छा कप्तान साबित करती है वो है उनका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एटीट्यूड। देखिए, हम सब इस बात से वाकिफ है कि पांड्या हमेशा से भारत के लिए पांचवें, छठवें या सातवें नंबर पे ही बैटिंग करते हुए आए, और हमेशा से उनका भारतीय टीम में यही रोल भी रहा है कि वो आखिरी में आके बड़े शॉट्स लगा मैच को फिनिश करें और अपनी टीम को जिताएं। जब पांड्या का नाम गुजरात के कप्तान के रूप में भी अनाउंस करा गया तो लोगों का यही मानना था कि पांड्या कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने फिनिशिंग रोल में ही दिखाई देंगे, क्योंकि आईपीएल में मुंबई के लिए भी वो यही रोल अदा करते थे। पर जब आईपीएल शुरू हुई तो सबको चौंकाते हुए देखा गया कि पांड्या ऊपर बैटिंग करने आए, और वहीं कुछ मैचों में तो बॉलिंग के लिए भी वो सीधे दूसरा ओवर डालने आ गए, जो करके उन्होंने साबित किया जब कप्तानी पे बात आएगी तो वो हमेशा ऊपर आके लीड करेंगे, ताकि मोस्ट ऑफ द मैचेस में उनकी बैटिंग डिसाइड करेगी कि मैच का नतीजा क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया अगर कभी जरूरत पड़ी तो बॉलिंग के लिए भी वो खुद ही उतरेंगे एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तीसरे रीजन की तरफ चले जो उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है भविष्य के कप्तान का, तो वो ये है कि वो एक ऑलराउंडर हैं। अभी हमने लास्ट पॉइंट में ही बात करी कि जब भी जरूरत होगी फ्रॉम द फ्रंट से लीड करने के लिए, तो हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि कैसे उन्होंने खुद बैटिंग में लीड करा और सेम टाइम पे बॉलिंग में खुद को प्रमोट करा। और कोई भी टीम अपने लीडर से क्या चाहती है कि उसका लीडर वो हो जो हमेशा बेंच मार्क सेट करे, और पांड्या ऐसे ही बॉलर हैं जो हमेशा अपनी बैटिंग से और बॉलिंग दोनों से बेंचमार्क सेट करेंगे। बेंचमार्क सेट करने का मतलब हर बार ये नहीं होता कि आप कप्तान हो तो सबसे बेहतरीन आपको ही होना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी बॉलिंग में या बैटिंग में जरूरत होगी तो पांड्या हमेशा होंगे चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए, जो बेनिफिट्स बहुत प्लेयरों के साथ नहीं होता। बचे दो रीजंस पे नजर डालने से पहले मैं बता दूं कि आज है इंडिया की सबसे मशहूर जोड़ी का मुकाबला, यानी धोनी और
कोहली का मुकाबला। तो हमने तो अपनी गेम सी टीम बनाते हुए विराट कोहली और मोइन अली को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है। बाकी आपने अगर अभी तक अपनी आज की टीम नहीं बनाई है तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए की लीग में एंट्री कर लाखों रुपए तक अर्न कर पाएंगे, और 100 रुपए की लीग के हिसाब से तो कॉम्पिटिशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर और गिव अवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। परसों ही 2 लाख का गिव अवे ऑफर भी हमने डाला था, अगर आप नहीं थे तो आपने मिस कर दिया होगा। तो अभी जाएं नीचे दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने पे कोई दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब चौथे रीजन की तरफ बढ़े, जो हार्दिक पांड्या की सबसे खास क्वालिटी है वो है उनका एटीट्यूड। पांड्या जब क्रिकेट में नए नए आए थे तो वो एक एंग्री यंग मैन थे, पर पिछले कुछ साल में उनका नेचर पूरे तरीके से चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने सक्सेस देखी तो धोनी से सक्सेस संभालना सीखा, गुस्सा आया तो कोहली से ये सीखा कि कई बार जवाब जबान से ज्यादा काम से दिया जाता है, और रोहित शर्मा से सीखा कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कोई खराब बात नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपकी फीलिंग्स आपके काम पे और आपके दिमाग पे ना हावी हो जाए, क्योंकि अक्सर ऑपोजिशन आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। ऊपर मैंने आपको जो तीनों सिनेरियो बताए, ये सब हार्दिक पांड्या ने खुद बताए हैं जब उनसे एक टॉक शो में पूछा गया था कि उन्होंने कोहली, धोनी और रोहित से क्या सीखा, और आपने भी पांड्या के एटीट्यूड और नेचर में एक बहुत ही मैसिव फर्क नोटिस किया होगा। ये वही पांड्या है जिसे कॉफी विद करण में अपने बड़बोलेपन के कारण बेइज्जत होना पड़ा था, पर समय की मार सब सिखा देती है, और यही नतीजा रहा कि पांड्या आज कितना भी बड़े से बड़ा विकेट ले ले पर वो रिएक्ट बहुत ही कम करते हैं। लास्ट बॉल फिनिश भी करके भावनाओं पे काबू रखते हैं, माइक पे बोले तो शब्दों पे नियंत्रण रखते हैं। तेवटिया के आखिरी 2 बॉल पे छक्का मार मैच जिताने पर भी पांड्या का रिएक्शन बस इतना था कि वो बस कुर्सी पे बैठे रहे और बस मुस्कुराते रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने ये गुजरात की कप्तानी के वक्त नोटिस करा हो तो उन्होंने टीम के किसी बॉलर के पिटने पे या किसी भी बैट्समैन की कोई गलती पे बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट करा, जाके समझाया, मोटिवेट करा, और ऐसा कहना भी उनके टीममेट्स का ही है। तो उनका ये जो ड्रास्टिक चेंज है एटीट्यूड में, ये भी उन्हें एक अच्छे कप्तान होने की निशानी देता है। और अब अगर बात करें अपने लास्ट और आखिरी रीजन की, तो वो है हार्दिक पांड्या की एज और हार्दिक पांड्या का जुनून। हार्दिक पांड्या के पास अनुभव भी है और वो उम्र भी, कि वो आज से कुछ साल बाद भी कप्तान बनते हैं तो उनके पास कई साल रहेंगे उस पे खरे उतरने के लिए। और दूसरी चीज, उनकी इंजरी के बाद ये कमबैक साबित करता है उनके जुनून को, कि अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिले तो वो किस हद तक खुद को झोंक सकते हैं उस पे खरे उतरने के लिए। मुझे याद है एक बार हार्दिक पांड्या ने कहा था कि कभी कोई उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछेगा तो वो हमेशा भारत को वर्ल्ड कप जिताना होगी और कुछ नहीं। और ये भी उन्होंने तब कहा था जब उनकी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था, पर फिर भी उनकी लास्ट विश में दोनों में से कोई नाम का मेंशन नहीं था, था बस एक ही जुनून, जैसा मैंने कहा, भारत को वर्ल्ड कप जिताने का। उम्मीद करता हूं मेरी बात कुछ हद तक शायद आप तक पहुंच पाई होगी। अगर आप मेरी बात से थोड़ा बहुत भी एग्री करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और आपकी इस पे क्या राय है जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड कर अपनी आज की टीम बनाना ना भूले, और जैसा मैंने कहा टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे अपनी फाइनल टीम अपलोड करते हैं ठीक मैच शुरू होने से पहले, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करा सकती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।